बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है लेसन नंबर 30, जो कि है मेमोरी के अबाउट। बहुत ही ये इजी से, यहाँ से थोड़े से दो तीन जो लेक्चर हैं वो काफी इजी से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। हम बात हो रही है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेरेंस हम पीछे भी हम इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। इधर इन जो ये जो चीजें हैं, यहाँ पे सिर्फ जनरल सी बातें लिखी हुई हैं जो कि आप लोग आम लाइफ में भी जानते ही होंगे मेमोरी के बारे में। उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको हमने देखना है। सबसे पहले इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होती है जो अब आपके माइंड में आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, या फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं हम, क्योंकि हम बात ही लॉन्ग टर्म मेमोरी की कर रहे हैं। उसमें जब दो किस्म की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, तो वो एक इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई इंफॉर्मेशन बाद में आने वाली इंफॉर्मेशन को या तो इंटरफेयर कर सकती है, या फिर बाद में आने वाली पहले वाली इंफॉर्मेशन को इंटरफेयर करती है। इनको कहते हैं रिस्पेक्टिवली प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हम देखते हैं इसमें क्या है। वेरियस फैक्टर्स कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन दैट इज स्प्रेड टू नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। वी कैन इन्फर दैट स्ट्रेंथ ऑफ इनकोडिंग हैज एन इफेक्ट सच दैट मोर स्ट्रांगली इनकोडेड इन्फॉर्मेशन रिसीव ग्रेटर एक्टिवेशन। अनदर फैक्टर दैट अल्टरनेटिव नेटवर्क पाथ डाउन विच एक्टिवेशन कैन स्प्रेड। इनकोडिंग क्या होती है कि हमने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को निकालना होता है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू कोड्स। यानी कि हम अपने माइंड में कुछ कोड्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमने ये वाली एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं, और आगे भी एक दो जगह पर यही एग्जाम्पल चलनी है कि सबसे पहले तो एक चीज है फ्लाइंग। यहाँ पे अगर हम यहां से शुरू करें, जैसे कि एक फ्लाइंग है, जब हम फ्लाइंग के बारे में सोचते हैं तो दो किस्म की चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि जो फ्लाई कर रहा है वो या तो बर्ड है, और अगर वो बर्ड है तो वो जानवर भी है, एनिमल है। देन बर्ड में हमारे पास बहुत से बर्ड की किस्म हैं, जैसे कि ब्लू जे, रॉबिन, स्पैरो, कैनरी। उसके बाद अगर ब्लू जे है तो ब्लू से हमारे माइंड में कलर्स की तरफ हम चले जाते हैं। देन अगर बर्ड है तो वो पेंगुइन है। और एनिमल में अगर फिश, शार्क और स्विमिंग, अगर वो स्विमिंग की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखे लिए लिंकिंग वर्ड है, जैसे कि पेंगुइन के साथ बर्ड भी लिंक कर रहा है और स्विमिंग भी लिंक कर रहा है। ये होते हैं कनेक्शन वर्ड्स जिनको हम देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है फैन इफेक्ट। फैन इफेक्ट क्या होता है वो हमने देखना है। ये काफी ही थोड़ा सा लेंथी सा है, लेकिन जब आपको समझ आएगी तो इसमें है ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहले है एडर्सन 1974 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। ही हैड सब्जेक्ट टू मेमोराइज 26 फैक्ट्स। इन दीज स्टेटमेंट सम पर्सन वर पेयर्ड विद ओनली वन लोकेशन एंड सम लोकेशन विद ओनली वन पर्सन। यानी कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था इस तरह, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाली चीजें डायरेक्ट इधर आ जाए। उसने ये वाली चीजें थी, डॉक्टर इज इन द बैंक, उसके बाद फायरमैन इज इन द पार्क, लॉयर इज इन द चर्च एंड द लॉयर इज इन द पार्क। उसने बंदों को कहा था, या जिस पे भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कि आप इन सेंटेंस को याद करो। उसके बाद उनसे वो बाद में वो पूछा गया था कि अच्छा अब आपको कौन से वर्ड याद है। अब यहाँ पे देखें, जो पार्क वर्ड है, पार्क एक लोकेशन है और लोकेशन के साथ दो पर्सन अटैच हैं, एक तो फायरमैन और एक लॉयर। तो इसको हम देखते हैं, एडर्सन परफॉर्म एंड एक्सपेरिमेंट। ही हैड सब्जेक्ट टू मेमोराइज 26 फैक्ट्स। इन दीज स्टेटमेंट सम पर्सन वर पेयर्ड विद ओनली वन लोकेशन एंड सम लोकेशन विद ओनली वन पर्सन। अदर पर्सन वर पेयर्ड द टू लोकेशन। यानी कि एक आदमी दो लोकेशन से कैसे है, जैसे कि यहाँ पे लॉयर इज इन द चर्च एंड लॉयर इज इन द पार्क। यानी कि लॉयर दो लोकेशन के साथ लिंक्ड है, एक तो चर्च के साथ और दूसरा पार्क के साथ। Each statement was followed by two numbers reflecting the number of effect associated with the subject and the location. For instance, sentence 3 is labeled 2-1. यानी कि देखें, इनके साथ नंबर भी इनको अलॉट किए गए थे, बिकॉज दी सब्जेक्ट अकर इन टू सेंटेंस। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, ये दो यहाँ पे यहाँ क्यों लिखा हुआ है 2-1, क्योंकि प्लेस सिर्फ एक है, लोकेशन एक है, लेकिन इसके साथ जो पर्सन है वो दो जगह पे है, लॉयर चर्च में भी है और पार्क में भी है। दी सब्जेक्ट अकर इन टू सेंटेंस 3 एंड 4।
एंड इट्स लोकेशन अक्कर इन वन सेंटेंस सेंटेंस थ्री दिस सेंटेंस वार फिर यहाँ पे वो सेंटेंस की बात करें नंबर ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट एंड लोकेशन सब्जेक्ट आर ड्रिल्ड टू ऑन ईच सेंटेंस बिफोर बिगिनिंग द रिएक्शन टाइम फेज सब्जेक्ट वर एबल टू रिकॉल द लोकेशन एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन एंड ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर लोकेशन देन दे बिगन टू अ स्पीड रिकॉग्निशन यानी कि बाद में उनसे पूछा गया था कि किसको कितना याद है क्योंकि जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है तो ये इंटरफेरेंस की बात हो रही है चीजें इंटरफेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं अब आप रिजल्ट पे चलें रिजल्ट क्या कहते थे रिकॉग्निशन टाइम ऑफ अ सेंटेंस एज अ फंक्शन ऑफ अ नंबर फैक्ट लर्न अबाउट पर्सन एंड लोकेशन रिजल्ट क्या शो करते थे रिजल्ट आर शोइंग द रिकॉग्निशन टाइम इंक्रीज एज अ फंक्शन ऑफ अ बोथ द नंबर ऑफ अ फैक्ट स्टडीज अबाउट द पर्सन एंड नंबर ऑफ अ फैक्ट स्टडी अबाउट द लोकेशन यहाँ पे दो दफा इन्होंने लिख दिया है फैक्ट स्टडीज अबाउट द पर्सन तो आगे चलते हैं फैन इफेक्ट देखें ये द फैन इफेक्ट इज एक तो जो हमारा लॉयर है और एक साइड पे हमने पार्क लिख दिया है ये होते हैं नोड्स यानी कि जिस तरह आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ये एक लॉयर है उस लॉयर के साथ एक लोकेशन लॉयर की जो लोकेशन है एक तो पार्क है और दूसरी लॉयर की लोकेशन ये देखें चर्च है देन इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ है इन द रिलेशन देन जो पार्क है उसके साथ एक और भी अटैच है वो क्या है वो फायरमैन है एंड देन डॉक्टर जो है वो रिलेशन के साथ वो उसका किसके साथ रिलेशन है बैंक के साथ रिलेशन है जैसे कि आप ऊपर चलें अगर दोबारा इसी जगह पर तो देखें बैंक के साथ सिर्फ एक बंदा अटैच है वो है डॉक्टर डॉक्टर और कहीं भी नहीं है इसलिए एक पर्सन है और एक लोकेशन है दैट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इंटरफेरेंस क्या अफेक्ट करती है आगे चलते हैं हम Every node has three parts such as relation, subject and location. By applying the activation concept to this representation, we can nicely account for the increase in time, reaction time, sorry. Subject might recognize such as probe as a liar in the park. First, suppose the representation of a term liar in the park serves to activate their representation in the memory. यानी कि आपने चीजों को याद कैसे रखना होता है ये उस चीज पे बात कर रहे हैं. The activation will spread from these nodes to activate the target position to enable it to be recognized. Fireman and lawyer interfere with park, but there is no interference between doctor and lawyer. यानी कि fireman और जो lawyer हैं वो दोनों park में हैं. तो ये जो है ये हमारी memory में interfere करती है जबकि doctor और lawyer नहीं interfere कर सकते क्योंकि सिर्फ एक doctor ही है जो कि bank में है लॉयर का बैंक के साथ कोई तल्लक नहीं होती है सो देयर इज नो फैन इफेक्ट द क्रिटिकल अजम्पशंस क्या थी द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन रीचिंग द प्रोपोजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लिंक्स लीडिंग फ्रॉम इट सब्जेक्ट शुड बी स्लो टू रिकॉग्नाइज अ फैक्ट इन्वॉल्विंग लॉयर एंड पार्क देन वन कनेक्शन डॉक्टर एंड बैंक बिकॉज मोर पॉथ इमिनेट फ्रॉम द फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट दिस इज इन द लॉयर एंड पार्क केस टू पाथ पॉइंट फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू पोजिशन इन विच ईच वॉज स्टडीज वेयर इज ओनली वन पाथ लीड फ्रॉम विच ईच ऑफ द डॉक्टर एंड बैंक कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे कोई लिंक नहीं है ये जो इतनी एक्सपेरिमेंट इन्होंने बड़ा शेयर किया है आगे चलते हैं एक्टिवेशन क्या होती है एक्टिवेशन लिमिटेड कैपेसिटी में होती है देयर इज वन एक्सपेरिमेंट अमंग मेनी पॉइंट्स टू अ लिमिटेड कैपेसिटी फीचर ऑफ द स्प्रेडिंग एक्टिवेशन प्रोसेस द नोड सच एज लॉयर एंड पार्क फ्रॉम विच द स्प्रेड ऑफ एक्टिवेशन स्टार्ट कैन बी कॉल्ड सोर्स नोड जो वो जो मैंने आपको पीछे भी दिखाए थे अगेन से दिखा देती हूँ ये जो है इनको कहते हैं स्टार्ट नोड्स क्योंकि यहां से आपका रिलेशन स्टार्ट हो रहा है लॉयर से और पार्क से आगे चलते हैं इनको कहा जाता है सोर्स नोड्स वन नोड कैन हैव थाउजेंड नोड्स उन नोड्स के आगे बहुत सी नोड्स हैं दिस वन नोड सप्लाई एनर्जी टू द अदर नोड्स एंड द एनर्जी ऑफ दिस नोड इज आल्सो ट्रांसफर टू अदर बट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट लाइक इन The example of experiment of last lecture where dog is also activated, other kind of dogs, meats, bones and other animal. यानी कि जो पिछले lecture में हमने primary में पढ़ी थी example वो उसका हवाला दे रहे हैं A source node has a fixed capacity of emitting activation. अब यहाँ पे बात हो रही है source node की अगर आपको पास question आता है कि what is source node तो आप ये लिख सकते हैं This capacity is divided among all the path emanating from the node. The more path that exists, the less activation will be assigned to
एनी वन बाथ एंड दिस लोअर विल बी द रेट ऑफ एक्टिवेशन एट वन टाइम वी कैन मेक मैनी नोड्स विद वन वर्ड लाइक द वर्ड फिश हैज मैनी लिंक्स, यानी कि एक तो फिश स्विमिंग कर सकती है, फिश वाटर में होती है, फिश सी में होती है. अगर आप फिश के बारे में सोचना शुरू करोगे तो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में वो होगी. टाइप्स ऑफ फिश होती हैं, बहुत सी टाइप्स ऑफ फिश होती हैं, और फिर उन टाइप्स की तरफ भी आप जा सकते हो. फिशेज को हम खाते भी हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ गैम्बलर, वी कैन मेक एनी लिंक. जब आप गैम्बलर के बारे में सोचो तो आपके माइंड में सीधा सीधा आता है कार्ड्स, क्योंकि उसका कार्ड्स के थ्रू वो गैम्बलिंग करते हैं. इंटरफेरेंस क्या होती है? द फैन इफेक्ट इज द नेम गिवन टू दिस इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम रिलेटेड इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद अ कॉन्सेप्ट. इसलिए इसको फैन इफेक्ट कहा जाता है, ये उसकी बात कर रहे हैं. इट इज सो नेम्ड बिकॉज द इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम इज रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन द फैन ऑफ इफेक्ट्स emanating from the network representation of the concept. The term convey the fact that additional information about a concept interfere with the memory for a particular piece of information. यानी कि जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आके आपको इंटरफेयर करती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आपके पेपर में MCQs आते हैं तो आपको पता होता है कि उसका आंसर क्या है, लेकिन जो उसके साथ ABC, अगर फॉर एग्जाम्पल जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ABC जब आप देखते हो तो आप एक दम से जब देखते हो तो अगर वो उसके साथ थोड़ा सा भी लिंक करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा हो सकता है उसका ये आंसर हो, आपको खुद पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है. इंटरफेरेंस अफेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ मेजर्स देन जस्ट रिकॉग्निशन टाइम. फैन इफेक्ट इज रिवर्स्ड फॉर इंटरफेरेंस अफेक्ट एज मेजर्ड बाय रिएक्शन टाइम. होप सो आपको समझ आ गई. अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.